आज राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन प्रिंसिपल डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल जी के मार्गदर्शन में किया गया। इस वेबिनार का मेन थीम रहा आपदा में अवसर, और मेन स्पीकर इस वेबिनार में रहे स्वामी श्री प्रेम प्रवास जी। तो इस वेबिनार में टीनेजर्स के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया गया था। और आपदा में अवसर का मतलब है कि दिन में जो 24 आवर्स हमारे बच्चों को मिलते हैं, वो उन 24 आवर्स को अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ, अपने करियर बिल्डिंग के लिए और अपनी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस किया गया। इंटरेक्टिव सेशन था, तो बच्चों को भी बराबर बोलने का मौका मिला, उन्हें मौका मिला अपने अंदर के उन क्वेश्चंस को एराइज करने का जो उनके अंदर ही रहते हैं, और उन्होंने उन क्वेश्चंस को शेयर किया, और स्वामी श्री प्रेम प्रवास जी ने उनके क्वेश्चंस के अप्रोप्रिएट आंसर दे के उनको सेटिस्फाई किया। इस तरह से बच्चों के अंदर जिस तरह की फीलिंग डिवेलप हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर अटैचमेंट उनकी है मोबाइल के साथ, और पेरेंट्स या फ्रेंड्स से वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मोबाइल के साथ जो अटैचमेंट है उसके जो मैक्सिमम आवर्स वेस्ट हम कर रहे हैं ऐसा कंटेंट देखने में जो हमारे काम का नहीं है। तो इस वेबिनार का एक मकसद ये भी रहा कि बच्चों को गाइड किया गया कि किस तरह से वो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल द कंटेंट विच इज़ नॉट ऑफ देयर बिजनेस एट ऑल, जो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, किस तरह से वो उस कंटेंट को छोड़ के अपने कॉम्पिटिटिव के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने वाला कंटेंट देखकर अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। उपस्थित है, मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही कम समय में और एक अनौपचारिक हमारी प्रार्थना अनुरोध को स्वीकार किया है। और हम सभी राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी के सभी परिवार को, वाइस प्रिंसिपल छात्रों को अपना मार्गदर्शन, और इस वक्त में जब सारा संसार पूरा भारतवर्ष हम सभी लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, सबके सब लोग अपने घरों में बंद हैं, और इस वक्त सबके लिए बहुत ही एक सकारात्मक सोच और एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस पत्र पर क्योंकि उन लोगों ने स्वामी प्रेम प्रवासियों ने हमारे बीच यहाँ आने का, हमारे बीच उपस्थित होकर एक मार्गदर्शन के लिए हमें वक्त दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी दूसरा की गुप्ता ने कहा, स्वामी प्रेम प्रवास जी लगभग दो दशकों से इस हमारे लोक कल्याण और समाज के कल्याण के लिए अपने मार्गदर्शन, अध्यात्म के मार्गदर्शन, एक सकारात्मक सोच सब लोगों में उत्पन्न करने के लिए हमेशा से सतत प्रयासरत हैं, और समाज पूरा के कार्यक्रम में लिंक आज हम सब लोग उपस्थित होकर उनके इस मार्गदर्शन का एक भरपूर फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग उनके द्वारा बताए गए एक सकारात्मक सोच, आगे बढ़ने की एक सोच, घरों में जब हम रह रहे हैं, हमारे एग्जाम के बारे में अभी अनिश्चितता है, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कब एग्जाम होंगे, आप सभी बच्चों ने अपने एग्जाम की पूरी तैयारी रखनी है, और साथ ही अपने आप को इस आपदा के वक्त में एक बहुत संतुष्टि के साथ, एक पूरी सकारात्मक सोच के साथ, अपने क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। किसी तरह के नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचारधारा या उनके साथ किसी के उनके विचारों में नहीं आना है, और हमेशा अपनी तैयारी, अपना काम, अपने घर वालों के साथ मिलजुल के अपने घर के अंदर रहना है। मैं एक बार फिर से स्वामी प्रेम प्रवास जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हम सब लोगों के लिए वक्त निकाला, हमारे लिए अपने मार्गदर्शन, और इस आपदा की घड़ी में एक आपदा में अवसर इस वेबिनार के लिए हमारे लिए वक्त निकाला है। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड लाइक
लाइक सर बेसिकली स्ट्रेस है कि राइट नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट, कि एग्जाम्स हो जाए या कोई भी बेसिक नहीं है हमारी लाइफ में, चलता रूटीन जो होता है वो टोटली इसे डिस्टर्ब हो गया. लाइक एक होता ना पहले कि हमें कॉलेज जाना होता है या फिर पर्टिकुलरली हमको स्पेसिफिक चीज करता है, लेकिन अब सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, लगता है थोड़ा स्ट्रेस काइंड ऑफ हो गया. पेशेंस बहुत जल्दी लूज हो जाता है, काइंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर, कामनेस जो थी जो होता है काम एंड कंपोज होके जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा लगता है वो एकदम बहुत बढ़िया. और लेकिन सर एक बिजी होने की फीलिंग नहीं आती, जिस काम में बिजी रहना चाहिए उस काम में बिजी नहीं रहते हम. जैसे अब काम होते हैं छोटे छोटे सर उनमें तो बिजी रहती है, लेकिन जिस काम में बिजी रहना चाहिए उसमें अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ मैंने मेहनत की है इस चीज के लिए. दोबारा बताइए. लड़के ने कुछ कहा था अभी, मुझे बात सुनाई नहीं दी. आपके यहाँ सिर्फ लड़कियां बात करती है, लड़के शर्माते हैं क्या? मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है. जी जी बताइए. मतलब लड़कों को कोई मतलब नहीं है, लड़के बहुत खुश है, मस्त है, घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू सर खाना बनाना पड़ रहा है. ओहो चलो ठीक है. बहुत सारे देखिए इसमें एक और देखते हैं, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा है कुछ? Yes, अरे उनके साथ बातचीत करने में या वो ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यार आप भी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ ऐसा भी चल रहा है? 24 घंटे कुछ यस सर ये भी चल रहा होगा. कहिए बताइए. बेसिकली जैसे पेरेंट्स के साथ होता है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको जैसे आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हो तो उनको वो चीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आती है कि जिस तरह से आप उनको वो चीज़ कन्वे करना. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड आर गेस्ट श्री प्रेम प्रवासी अलॉन्ग विद आर डियर स्टूडेंट्स जिनके बिना इस वेबिनार का महत्व नहीं रह जाता है, मैं आरती गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ. आज हम लोग ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के बाद लिंक हो पाए हैं, एक दूसरे को देख पाए हैं, सो आई वेलकम यू ऑल. सो आज का ये जो वेबिनार है ये प्रिंसिपल सर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है. उन्हें लग रहा था कि बच्चों के साथ हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और आज की जो वेबिनार के मुख्य स्पीकर हैं ही इज श्री प्रेम प्रवास जी, जो कि आज हमारे स्टूडेंट्स को लाइफ के कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएंगे और उनको किस तरह से हमने फेस करना है उस बारे में बताएंगे. छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आज के जो मेन स्पीकर हैं उनके बारे में. श्री प्रेम प्रवास जी बेसिकली चंबा से हैं और पिछले 20 वर्षों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेडिटेशन में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं. और जब आज हम सभी को पता है कि COVID-19 का दौर चल रहा है तो उसके कारण हमारा लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस सब कुछ स्टैग्नेट हो चुका है, हम एक डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग घरों में बंद हो चुके हैं. तो आज श्री प्रेम प्रवास जी हमारा निःशुल्क मार्गदर्शन करने के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर कर रहे हैं. बट बिफोर दैट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्रिंसिपल श्री अजय सिंह बनियाल जी से कि वो स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दें और हमें इस प्रोग्राम को शुरू करने का परमिशन दें. नमस्कार, मैं विक्रांत कपूर गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी ज्वालामुखी से आप सबके सामने अपने विचारों को रखना चाहूँगा. जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और सभी अपने घरों में बंद हैं. इसी बीच हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर और आरती मैम ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और इस वेबिनार में हमने अपने विचारों को प्रश्नों के माध्यम से श्री प्रेम प्रवास जी से साझा किया. उन्होंने हमें बताया
कि कैसे हमें कोरोना टाइम में अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है, कैसे हमने अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना है, ऐसी हमें सीख मिली। और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी अगले वेबिनार हों वो ऐसे ही मोटिवेशनल हों और हमें इससे ज़्यादा सीख मिले। अंत में मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आरती मैम, प्रिंसिपल सर और श्री प्रेम प्रभाष जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी मोटिवेशन दी। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा, राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की छात्रा। आज हुए वेबिनार का अनुभव आप सबसे साझा करना चाहूँगी। सर, प्रथम मैं प्राचार्य महोदय और आरती मैम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर प्रदान किया तथा इस वेबिनार का हिस्सा बनने का मौका दिया। इस वेबिनार में हमें स्वामी श्री प्रेम प्रभाष जी ने एड्रेस किया और हमारे प्रश्नों का बहुत ही खूबसूरती से उत्तर दिया तथा एक मार्गदर्शक की तरह उन्होंने हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जो जीवन भर के लिए हमें प्रेरित करेंगी। और मैं भविष्य में आने वाले सभी सेशंस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ, ताकि मैं और भी अच्छी चीज़ें सीख सकूँ और एक बेहतर इंसान बन सकूँ। और मैं एक बार फिर से प्राचार्य महोदय, आरती मैम और स्वामी श्री प्रभाष जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी।